हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में फौलादी सिंह सीरीज की अगली कॉमिक्स, फौलादी सिंह और अंतरिक्ष के डाकू का दूसरा और अंतिम भाग। और फौलाद हाथ ऊपर उठाते ही तीर की तरह हवा में उठ जाता है और ऊपर उठकर वह मैदान की तरफ जाते हुए नीचे की ओर उतरता है। तभी ऊपर गोलाकार में तनी अदृश्य दीवार से उसके पैर टकराते हैं। ओह, ऊपर भी दीवार। वह दीवार पर उतर कर खड़ा हो जाता है। अंतरिक्ष वासियों ने उड़न तस्वीर को चारों ओर से अदृश्य दीवार से ढक रखा है। इसका मतलब है अंदर घुसने के लिए कोई चारा नहीं है। फौलाद फिर हवा में ऊपर आता है और लंबू के पास वापस जाता है। वह अदृश्य दीवार बनी हुई है, अंदर प्रवेश का कोई रास्ता नहीं। चलो वापिस अंकल को बताएंगे, लंबू उछल कर जेब में बैठ जाता है और दोनों वापिस लौटते हैं। अभी हम यह बात अंकल के सिवा और किसी को नहीं बताएंगे। हाँ, वरना लोग भयभीत हो जाएंगे। फौलाद झाड़ी से जीप निकालता है और वे घने जंगल से जहां पे लोग बहुत कम जाते हैं बाहर निकलते हैं। घर जाकर वे सीधे डॉक्टर जॉन के कमरे की ओर बढ़ते हैं। जॉन कुर्सी पर बैठे पाइप पीते हुए उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। बड़ी देर लगा दी। अंकल, मामला बहुत ही रहस्यमय है। लगता है किसी ग्रह के प्राणी आए हैं वहां। दूसरे ग्रह के प्राणी? हाँ अंकल, घने जंगल के बाद एक मैदान जहाँ कोई भी मनुष्य घुसने का साहस नहीं करता, वहां एक विशाल उड़न तश्री खड़ी है। क्या कह रहे हो? सच अंकल। और एक इससे भी बड़ा आश्चर्य और है। उड़न तश्री के चारों ओर उन्होंने एक इस्पाती अदृश्य दीवार का निर्माण किया है। कोई वहां तक घुस नहीं सकता। अदृश्य दीवार, उड़न तश्री, दूसरे ग्रह के लोग। हमें सतर्कता से निरीक्षण करना पड़ेगा। इस बात का पता अभी किसी को नहीं चलना चाहिए, नहीं तो हमारे काम में बाधा पड़ेगी। मैं कल फिर आऊंगा। जाओ खाना खाकर सो जाओ, काफी समय हो गया है। मैं इस पर एकांत में विचार करूंगा और उसकी टोल लेने की बताऊंगा। अच्छा अंकल, हम जाते हैं। और उधर उड़न तश्तरी में विचित्र मानव, जिसकी शक्लें उल्लू जैसी हैं, कान नुकूले ऊपर उठे हुए, पतले पतले हाथ पैर, एक ही यंत्र पर कुछ मानव कार्य कर रहे हैं। एक उनसे अलग प्रकार का मानव जो उनका कमांडर है पास खड़ा है। कमांडर, हमारे किरणों ने उस प्रतिवासी के मकान का पता कर लिया है जो यहाँ आया था। ठीक है, उसे यहाँ लाने का प्रयत्न करो, वरना वह हमारे यहाँ आने की खबर फैला देगा और हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जो आ गया, एक दल उसके घर भेजो जो आ गया, और दूसरा दल सोने की खान में भेजो। फिर कल हम एक टुकड़ी पेट्रोल भंडार में भी भेजेंगे। हम लोगों का उद्देश्य धरती से सोना और पेट्रोल ले जाने का है, क्योंकि ये दोनों पदार्थ हमारे ग्रह पर नहीं होते। आप ठीक कह रहे हैं, हम पृथ्वी को पेट्रोल और सोने से खाली कर देंगे। पेट्रोल मिल जाने पर हम पृथ्वी के वाहनों जैसी वाहन बनाने में समर्थ हो सकेंगे, और सोने से बने आभूषण हमारे ग्रह की स्त्रियां भी पहन सकेंगी। फिर हमें हीरे पीतल लोहे से बने आभूषणों में नहीं जलने पड़ेंगे। जाओ अपना दल ले जाओ। जो आ गया। एक अजीब से हथियार से लैस होकर वे विचित्र मानव अपने छोटे से यान में बैठ जाते हैं। ऊपर से छत खोलो ताकि हम बाहर निकल सकें। जो आ गया। ग्रहवासी नौकर एक यंत्र का चक्र घुमाता है और उधर वह यान ऊपर उठता है और पारदर्शी दीवार से बाहर निकलकर तेज गति से डॉक्टर जॉन के घर फौलाद का अपहरण करने चल देता है। यान की गति इतनी तेज होती है कि चंद सेकंडों के बाद वह डॉक्टर जॉन के घर के करीब पहुंच जाता है। डॉक्टर जॉन के घर आते ही यान अधर में खड़ा हो जाता है और एक अदृश्य पट्टी से ग्रहवासी डॉक्टर जॉन की छत पर ऐसे उतरते हैं जैसे किसी पहाड़ी ढलान से। उधर दूसरा दल उड़न तश्री से निकलकर सोने की खान की ओर रवाना होता है। सोने की खान के आसपास पहरेदार पहरा दे रहे थे। यान से पहले ग्रहवासियों ने जायजा लिया। यही वह जगह है जहां से सोना नामक धातु निकाली जाती है। पृथ्वीवासी इसे बहुत बहुमूल्य धातु मानते हैं। यदि हम सफल रहे तो पृथ्वी से सोने का नाम ही मिटा देंगे। इसकी पृथ्वी पर अनेक खाने हैं। यदि हम ऐसा कर सके तो पृथ्वीवासी हमारी मुट्ठी में होंगे, क्योंकि उनका अधिकतर कारोबार या लेन देन इसी धातु से चलता है। फिर हम पृथ्वी को गुलाम बना सकेंगे, और यदि हम पृथ्वी से पेट्रोल ले जाने में सफल हो गए तो यहाँ की आवागमन की सेवा ठप पड़ जाएगी। सारी पृथ्वी का कामकाज रुक जाएगा। एन मोर पृथ्वीवासियों को लूटने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इस खान की दूसरी ओर जो गोदाम बना है उस तरफ चलो। सोना वहीं बड़ी बड़ी सिल्लियों के रूप में रखा है। और उनका यान रात के अंधेरे में सोने की खान के गोदाम में उतरता है। एक पहरेदार यान को उतरते देख सावधान हो जाता है और बंदूक तान लेता है। कौन है वह? ये कैसा विचित्र हवाई जहाज है? अन्य सिपाहियों को सीटी बजाकर बुला लूं, खतरा लगता है। और पहरेदार जोर जोर से सीटियां बजाने लगता है। तीन चार पहरेदार बंदूक ताने आ जाते हैं। टी टी टी।
तभी यान का दरवाजा खोलकर चार ग्रहवासी नीचे उतरते हैं। उन विचित्र ग्रहवासियों को देखकर उन पहरेदारों की चीखी बंद हो जाती है। ये कौन है? बाप रे, ये कौन से प्राणी है? बिल्कुल भूत की तरह है। इनके हाथों में भी हथियार है। फायर कर, इन्हें मार डालो, इनके इरादे बुरे लगते हैं, चलाओ गोलियां। लेकिन तभी ग्रहवासी अपने विचित्र हथियार से किरणें फेंकते हैं और चारों पहरेदार वहीं झुलसकर मर जाते हैं। ग्रहवासी गोदाम के दरवाजे को अपने हथियार से पिघलाकर अंदर घुस जाते हैं और सोने की सिल्लियां ला लाकर अपने यान पर चढ़ाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात थी कि जरा से यान में गोदाम की सारी सिल्लियां समा गई और गोदाम खाली हो गया। तभी कुछ और पहरेदार भी आ गए और उन्होंने उन पर हमला किया, पर ग्रहवासियों के हथियार ने उन्हें भी घायल कर दिया और वे अज्ञात ग्रह के वासी सोना लेकर उड़ गए। एक घायल किसी तरह टेलीफोन बूथ पर पहुंचा और पुलिस को फोन किया। हेलो, पुलिस स्टेशन। जी इंस्पेक्टर साहब, सोने के खान पर भूत जैसे विचित्र मानवों ने हमला किया, सोना ले गया। क्या सारा गोदाम खाली कर गए? कितने यान थे? केवल एक? देखा? असंभव, हम अभी पहुंच रहे हैं। और उधर फौलाद के कमरे की खिड़की में दूसरा दल पहुंच जाता है। एक ग्रहवासी अंदर प्रवेश करता है। आहार से फौलाद जाग जाता है और कुर्सी से उछलकर खड़ा हो जाता है। ग्रहवासी उसे पकड़ने झपटे, इससे पहले ही फौलाद छलांग लगाकर उसके पैरों को जकड़ लेता है। ग्रहवासी बुरी तरह गिरता है। फौलाद उसे उठाकर एक और फेंकता है। ये लोग शायद मुझे पकड़ने आए हैं। तभी अपने छोटे पलंग पर सो रहा लंबू भी जाग जाता है और पलंग पर खड़ा हो जाता है। ओ अंतरिक्षवासी, फौलाद जम के मुकाबला करना। तभी फौलाद ग्रहवासी को उठाकर फिर फेंकता है तो लंबू वह सीधा लंबू के पलंग पर गिरता है। वाह, मैं भी तो हाथ मार दूं। लंबू उछलकर ग्रहवासी के सिर सवार होकर हथेली से जूडो वाला भीषण प्रहार करता है और अंतरिक्ष ग्रहवासी का सिर दो भागों में विभक्त हो जाता है। वह वहीं ढेर हो जाता है। अरे तूने तो उसका सिर तरबूज की तरह फोड़ दिया, कमाल कर दिया। प्यारे, हम बौने हैं तो क्या हुआ, शक्ति में तो हम कम नहीं। लेकिन तभी एक आश्चर्यजनक बात होती है। मृतक ग्रहवासी का शरीर धीरे धीरे पिघलने लगता है। ये तो पिघल रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। फौलाद दरवाजा खोलता है तो डॉक्टर जॉन अंदर आते हैं। है ये क्या, ये कौन है? अंतरिक्षवासी ने मेरा अपहरण करना चाहा, पर लंबू के प्रहार से इसका सर फट गया और ये मर गया। मरने के बाद अब इसका शरीर मोम की तरह पिघल रहा है। ओ, हमारे पास कोई सबूत भी नहीं रह सकता कि हमने एक ग्रहवासी मारा है। लगता है बाहर छत पर और भी ग्रहवासी हैं। तभी खिड़की में दो ग्रहवासी खड़े नजर आते हैं। एक अपने हथियार का निशाना फौलाद पर लगाता है। ओह, ये तो काफी तादाद में आए लगते हैं। फौलाद, अब ये खूंखार हो गए लगता है। क्या अंतरिक्ष मानव फौलाद को पकड़ सके? उड़न तस्त्री कहाँ से आई थी? क्या अंतरिक्ष मानव पृथ्वी का सोना ले जा सके? फौलाद ने उड़न तस्त्री की दीवार को कैसे तोड़ा? ये सब जानने के लिए इंतजार कीजिए इसके अगले अंक, उड़न तस्त्री का रहस्य। तब तक के लिए धन्यवाद।